नमस्कार, गुड इवनिंग इंडिया में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत एवं हार्दिक अभिनंदन। मैं हूं आपके साथ सत्यप्रिया। कहा गया है कि अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम् परोपकारः पुण्याय पापाय परपीडनम्, यानी कि 18 पुराणों में व्यास के केवल दो वचन हैं जो विशिष्ट हैं, और वो ये हैं कि पाप जो है वो पर पीड़न से होता है और पुण्य जो है वो परोपकार से होता है। आज भी हमारे समाज में कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने पूरे जीवन को समाज के लिए समर्पित कर दिया, जिन्होंने इस कथन को चरितार्थ किया है कि मानव सेवा ही माधव सेवा है। और आज गुड इवनिंग इंडिया में हम आपको मिलवाएंगे दो ऐसे ही विशिष्ट मेहमानों से। सबसे पहले हम स्टूडियो में स्वागत करना चाहेंगे हमारे अति विशिष्ट मेहमान का, जो कि एक विश्व विख्यात नेत्र चिकित्सक हैं, साथ ही समाज सेवी हैं, राज्यसभा में सांसद हैं। स्वागत करना चाहेंगे पद्मश्री डॉक्टर विकास महात्मे जी का। आपका बहुत बहुत स्वागत है विकास जी। धन्यवाद। ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि आज हमें आपसे इस कार्यक्रम के माध्यम से बात करने का मौका मिल रहा है। आपसे बहुत सारी बातें करनी है, लेकिन उससे पहले हम दर्शकों को दिखाना चाहेंगे आपके जीवन के कुछ अंश। डॉक्टर महात्मे, सबसे पहले तो आपसे यही जानना चाहेंगे कि नेत्र चिकित्सक के रूप में आप विश्व विख्यात हैं, लेकिन आपने अपना सारा जीवन अगर देखा जाए तो समाज सेवक के रूप में पूरे समाज को आपने अर्पण कर दिया। तो कैसे इसकी प्रेरणा मिली, कहाँ से ये सफर की शुरुआत हुई, तब से ले शुरुआत से लेकर आज राज्यसभा सांसद के रूप में भी आप समाज की सेवा कर रहे हैं? ये MBBS होने के बाद, MS होने के बाद मैं लेक्चरर था, और लेक्चररशिप में पेशेंट्स भी देखते हैं, ऑपरेशंस भी करते हैं और सिखाते भी हैं, लेकिन वो परमानेंट तब होते हैं जब आप MPSC यानी महाराष्ट्र पब्लिक सर्विस कमीशन की परीक्षा पास करते हैं। तो मैं फेल हो गया, तो एक ही दिन में किसी और ने ज्वाइन किया और एक दिन में मैं बेरोज़गार हो गया। तो इसमें ऐसा हुआ कि बाद में करना क्या है, तो समाज सेवा तो करने की चाहत थी, जो कि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में जब लेक्चरर था तो अपने आप ही हो रही थी। अब करना क्या, इसलिए मैंने पहली आई बैंक शुरू की जो विदर्भ एरिया में है। तो आई बैंक वहाँ नहीं थी, और नेत्रदान से लोगों को रोशनी मिलेगी, ये एक सुविधा हम डेवलप करें, इस तरीके से शुरुआत हुई। और वो फिर आगे आगे बढ़ते गया, और फिर सामाजिक सेवा से लोग बोलते आप अच्छा काम कर रहे, तो और उत्साह बढ़ते गया। तो धीरे धीरे सामाजिक सेवा के बाद ऐसे लगा कि इसको बढ़ाना बहुत मुश्किल होता है, बाकी तो हम पॉलिटिकली भी यदि राजकारण के जरिए भी समाज सेवा कर पाए तो ज़्यादा लोगों के पास पहुंच पाएंगे जी। तो इसलिए मैं इसमें भी, ये फील्ड में भी आया जी। देखिए, आपने जैसे अपने जीवन के बारे में कहा कि आप एक परीक्षा उत्तीर्ण नहीं कर पाए, तो लेकिन आपने उसे एज अ फेलियर नहीं देखा। आपने सक्सेस के लिए एक साधन के रूप में देखा। ये शायद आज के यूथ के लिए भी बहुत जरूरी है कि वो ये मैसेज जाने। इनके लिए जरूरी है लाइफ स्किल्स की, और साथ ही में सोशल एंड इमोशनल स्किल्स की भी, जिसको आप बहुत एडवोकेट करते आए हैं। तो आपसे ही ये जानना चाहेंगे कि लाइफ स्किल्स और साथ ही सोशल एंड इमोशनल स्किल्स और लर्निंग क्या है। बिल्कुल सही सवाल है आपका। लाइफ स्किल्स यानी जीवन कौशल। जीवन कौशल यानी जो हमें जीवन में लगता है वो जरूरी है, और उसके बारे में हमें सीखना है। और सोशल एंड इमोशनल उसी का यानी एक भाग, यानी ऐसा कह सकते हैं हम, सामाजिक और भावनात्मक विकास के लिए जो पढ़ते हैं, अध्ययन करते हैं, वो हो गया सोशल इमोशनल लर्निंग। तो ये इसका हम बोल सकते हैं कि इसे हम कहते हैं, लेकिन उसमें क्या आता है ये भी समझने की ज़रूरी है, और इसकी ज़रूरत क्या है। क्योंकि
ये तो सबको पता है कि क्या है, लेकिन ज़रूरत नहीं महसूस होती क्योंकि उससे एडमिशन में कोई फर्क बदलाव नहीं आता कि 12वीं में आप सोशल इमोशनल पे कम रहे तो 12वीं के बाद आप मेडिकल में नहीं जा पाएंगे, ऐसा नहीं होता। लेकिन इसकी ज़रूरत ये इसलिए है, जैसे मैं बताता हूँ कि एक बाघ का बच्चा है, टाइगर का, उसको सर्कस में लिया, उसको हम सिखाते हैं, वो जो भी ट्रेनर होगा वहाँ सिखाता है, वो सिखाने के बाद में बराबर एक हंटर के आवाज़ से बराबर एक स्टूल से दूसरे स्टूल पर छलांग लगाता है, वो जो फायर रिंग रहती उसमें से भी बराबर छलांग लगा सकता, हम सब तालियां बजाते हैं। लेकिन उस टाइगर को यदि आप जंगल में छोड़ेंगे तो शिकार नहीं कर पाएगा, वो भूखा रहेगा और मर जाएगा। तो इसमें फ़र्क क्या हुआ कि हमने उसको उसके लिए जो ज़रूरी था लाइफ स्किल वो उसे सिखाया नहीं, वो जो अपने पेरेंट्स यानी अपने माँ पिताजी से अपने आप ही सीखता था यदि उनके साथ रहता था, वो सीख नहीं पाया। तो वैसे ही आज हमारा हो रहा है, हम फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स सीखते हैं लेकिन हम खुद को बारे में नहीं सीख सकते। जैसे आपने कहा फेल्यूर, फेल्यूर ऐसा एक भी आदमी नहीं होगा कि जिसे फेल नहीं हुआ है, लेकिन वो उसके बाद में उठता है और फिर से जो कोशिश करता है, बार बार फेल होने के बावजूद भी कोशिश करता है, उसमें और बाकी लोगों में वो फर्क है। तो ये सीखेंगे, ये सिखाएंगे तो अपनी अगली पीढ़ी जो है वो अच्छी आएगी होगी। तो इसलिए जीवन में बहुत ज़रूरी है कि लाइफ स्किल्स रहना बहुत ज़रूरी है, सोशल इमोशनल, क्योंकि सोशल आदमी है, यानी ह्यूमन बीइंग इज़ अ सोशल एनिमल ऐसा हम बोलते हैं, जी तो उसको सामाजिक तौर पे टीम में काम करना है। जैसे अब टीम में काम करना है तो वो यदि सिखाया नहीं है और वो सीखे नहीं है तो उसमें होता कैसे है कि जब वो टीम में अपना अपना ही सोचते रहता है, टीम जीते ही इसके बारे में नहीं सोचता, परिवार भी एक टीम है, उसमें भी ऐसा ही होता है कि हम परिवार के साथ में रह के परिवार जीते तो वो खुद का इतना सोचता है कि परिवार टूट जाते हैं। तो ये सब परेशानियां है और इसलिए ये हर रोज़ ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी है और इसलिए इसे सीखना और स्कूल करिकुलम में रहना बहुत आवश्यक है। जी, तो जैसे आपने अभी उदाहरण दिया उस शेर के बच्चे का जिसे हाँ जंगल से निकाल के सर्कस के लिए ट्रेन हाँ किया हाँ जाता है, लेकिन आपने साथ ही में ये भी कहा कि शायद वो अपने माता पिता के साथ रहता तो सीख जाता कि किस तरह से जंगल में। बराबर क्या आपको ऐसा लगता है कि जो टूटते परिवार है या फिर जो न्यूक्लियर फैमिलीज की तरफ हम बढ़ रहे हैं तो जैसे हमारा समाज आज होता जा रहा है, इसकी वजह से भी ज्यादा जरूरी हो जाता है कि हम लाइफ स्किल्स कम से कम स्कूल के या कॉलेज के एजुकेशन के दौरान बच्चों को दें? ये बहुत ज़रूरी है। और आप यदि देखेंगे तो पूरे लाइफ में भी बदलाव आ रहा है, तो ये सही है। एक तो न्यूक्लियर फैमिली है, बच्चे सीखने के लिए हॉस्टल में रहते हैं, गांव से आके शहर में, शहर में वाले भी हॉस्टल में ताकि हम पढ़ाई ज़्यादा अच्छा कर पाएँ, और उसको हम महत्व नहीं दे रहे, यानी एग्जामिनेशन के रिजल्ट्स नहीं में उसका कोई मतलब नहीं है लेकिन जीवन की परीक्षा में उसका बहुत महत्व है। हाँ तो ये जो फर्क आ रहा है इससे परेशानी है, और आपने सही कहा कि वो एक मुख्य कारण भी है कि हम इसको का महत्व न समझने की वजह से न्यूक्लियर फैमिली है और बाकी वजह से भी। जैसे हम पहले बाहर खेलने के लिए जाते थे तो अपने आप ही बच्चों के साथ बाकी बच्चों के साथ कैसे बर्ताव करें ताकि हम सब खेल पाएँ, अभी वैसा होता नहीं, हम तो मोबाइल पे ही फुटबॉल खेलते हैं, वो ऐप रहता है फुटबॉल का वहीं पे खेला जाता है, तो इसलिए बहुत परेशानियाँ हैं। और इसको एक जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ सब्जेक्ट है वैसा सीखना चाहिए, उसका असेसमेंट भी होना चाहिए। जी असेस हाँ जी तो असेस जैसे आज हाँ का जो युवा है अगर हम उसे देखें तो अवसाद से पीड़ित नजर आता है, डिप्रेशन में जाता हुआ दिखता है, कुछ भी अगर जो जैसा उसने चाहा अगर उस तरह के रिजल्ट्स नहीं हाँ आए हाँ या फिर नशे की तरफ बढ़ जाता बढ़ है, जाते तो हैं, लाइफ स्किल्स उसके लिए भी आपको लगता है कि बहुत लाभदायक होंगे? बहुत ही लाभदायक है क्योंकि इसमें सबसे महत्वपूर्ण है कि हम देख हमारा उद्दिष्ट क्या है लाइफ में, सबको कैसे लगता है कि हम हैप्पी मीनिंगफुल लाइफ बोलते हैं, यानी खुद आनंदमय अर्थपूर्ण जीवन, खुद अच्छा लगे, अच्छा लगते रहे, ये बहुत ज़रूरी है, सभी की इच्छा रहती है। और उसके साथ में हम ऐसा नहीं चाहते कि हिमालय पे जाके बैठे और शांति से कुछ ना करें, हम ये चाहते हैं कि कुछ पॉजिटिव काम भी कर पाए, सकारात्मक काम भी कर पाए। तो ये दो चीज़ें हैं, तो गोल्स जो है
वो अचीव करने के लिए, गोल्स के तरफ बढ़ने के लिए हमने क्या करना चाहिए और किस तरीके से फेल्यूर आने के बाद किस तरीके से ऊपर आना चाहिए, ये जब तक कि हम नहीं सीखेंगे, गोल्स अचीव कैसे करना चाहिए, इसके स्टेप्स कैसे रहते हैं, ये भी लाइफ स्किल्स में आता है. और उसमें खुद के बारे में जानकारी, हम मैंने पहले भी बताया हम बहुत सारे सब्जेक्ट्स सीखते हैं, हम स्टार्स के बारे में सीखते हैं, यूनिवर्स के बारे में सीखते हैं, लेकिन खुद के बारे में जानकारी नहीं रहती. मेरी भावनाएं क्या है ये सिखाया नहीं जाता, हम अपनी भावनाएं प्रकट कैसे करें ये नहीं सिखाया जाता, हम अपने बारे में सोच क्या रहे हैं और उस सोच को बदले कैसे, ये स्टेप्स है साइकोलॉजी में, ये साइंस है, लेकिन इसके बारे में हमें पढ़ाया नहीं जाता. तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपना, ये एक लाइफ स्किल का एक महत्वपूर्ण है. दूसरा है जैसे एम्पथी बोलते हैं हम, जैसे वैष्णव जन तो तेणे कहिए पीड़ पराई जाने रे. अब ये पीड़ पराई जाने रे के बारे में सच में सिखाना चाहिए. हम ब्रदरहुड का कॉन्स्टिट्यूशन में सभी बोलते हैं, बंधुत्व बोलते हैं, भाईचारा बोलते हैं, लेकिन उसका मतलब क्या है, सिर्फ गले लगना नहीं है. तो उसका मतलब ये है कि आपकी सोच मेरे सोच से अलग है, मैं आपके सोच से सहमत नहीं हूँ, लेकिन फिर भी आपके सोच का और आपका मैं आदर करता हूँ. ये यदि हम सिखा दे तो जितना भी वॉयलेंस है, हिंसा है या जो भी एग्रेशन है वो कम हो जाएगा, क्योंकि वो आदर कर रहा है सामने के व्यक्ति के विचार अलग है, सोच अलग है मेरे से, लेकिन ठीक है मैं उस व्यक्ति का आदर करता हूँ. सोच वो बता देगा कि मैं आपसे असहमत हूँ पूरी तरह से. तो इस तरीके से पूरी वर्ल्ड में शांति भी आ सकती है. यानी ये बहुत इम्पोर्टेंट है और ये सहिष्णुता जो धर्म में हम कहते हैं वो वही है. लेकिन एक बार ये साइंटिफिकली हम यदि सीखा है और सबको सीखा है तो ये बहुत अच्छा होगा और सबके लिए ही अच्छा रहेगा. जी, तो अभी आपने जिक्र किया कि जिस तरह से मतलब हमें अपने कॉन्स्टिट्यूशन का जो सहिष्णुता है, सहिष्णुता के साथ सभी धर्मों को एक समान मानना, और साथ ही में कॉन्स्टिट्यूशन जो कि हमारे देश का धर्म है, धर्म या तो ये कहें धर्म की पुस्तक है, उसके विषय में बहुत सुंदर आपका वक्तव्य है, वो हम दर्शकों को यहाँ दिखाना चाहेंगे. छब्बीस नवम्बर यानी संविधान दिन, काफ़ी लोगों को लगता है कि यह कौन सा दिन है. तो इस दिन पर 26 नवंबर 1949 के दिन ही डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने संविधान लिखकर, उसको प्रस्तावना लिखकर यह सभागृह के पटल पर रखा था. तब ऐसी धारणा थी कि हम सामाजिक, राजकीय और आर्थिक न्याय देंगे, लेकिन मुझे लगता है आज भी हम गरीबी और अमीरी, इसमें जो फासला है वो अभी भी हम कम कर नहीं सके, और दोनों को समान संधि या अवसर आज भी हम दे नहीं पा रहे हैं. इसलिए हमें सबको यह काम करना पड़ेगा कि यह संविधान अपनाना पड़ेगा. और दूसरा, उसी समान बंधुता, भाईचारा, आज भी हम जब लोगों की तरफ देखते हैं, उनका नाम पूछते हैं, उसे हम ये क्या है, यह हिंदू है, मुस्लिम है, यह और कौन से धर्म का है, पंथ का है या कौन से जाति का है, यह सोचते हैं मन के मन में. लेकिन हम ये नहीं सोचते कि ये भी भारतीय है और मैं भी भारतीय हूँ. तो जैसे हिंदुओं के लिए गीता है, मुस्लिमों के लिए कुरान है, जैसे क्रिश्चियनों के लिए बाइबल है, उसी प्रकार हम सब भारतीयों के लिए संविधान है. और यदि हम यह संविधान अंगीकृत करते हैं तो हम एक बलशाली भारत देश बनाने में सफल होंगे. बहुत ही सुंदर वक्तव्य. आपसे ये जानना चाहेंगे कि जब हम लाइफ स्किल्स की बात करते हैं या फिर सोशल एंड इमोशनल स्किल्स और लर्निंग की बात करते हैं, हम देखते हैं कि विश्व में कई ऐसे देश हैं जहां पर ये बाकायदा एक सब्जेक्ट के रूप में पढ़ाया जाता है, तो क्यों आज तक हम भारत में इससे वंचित रहे. अब ये इसके बारे में अभी जो नई एजुकेशन पॉलिसी है उसमें उन्होंने लिया हुआ है. अच्छा. लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि सिर्फ वो एक सब्जेक्ट करके नहीं चाहिए, क्योंकि इसमें कैसा है, जैसे हमारे वक्त ऐसा था संगीत और क्राफ्ट, तो दो घंटे रहते थे जहाँ जब सिखाया जाता था, तो उस वक्त सभी लोग छुट्टियाँ मनाते,
क्योंकि उसका कोई मतलब आउटपुट के लिए नहीं था एग्जामिनेशन के मार्क्स का इसमें, तो वैसा ये सब्जेक्ट नहीं चाहिए क्योंकि जब तक के हम इसे असेस करेंगे तो अपने आप ही, मैं ऐसा नहीं कहता हूँ कि मार्क्स ही होना चाहिए, लेकिन असेस करना बहुत ज़रूरी है और उसका कुछ मायना रखे ताकि सभी को ऐसा लगे टीचर्स को कि ये सिखाना ही चाहिए और स्टूडेंट्स को और पेरेंट्स को भी लगे कि ये सीखना है हमारे लिए अच्छा है और आगे के पूरे जीवन के लिए अच्छा है। और इसमें और एक बात है, यह स्किल है, कौशल है, यह कसब है, यानी ये दोनों में बहुत फ़र्क है। इसमें आप देखेंगे कि हम पढ़ते हैं तो प्रिंसिपल समझ में आ जाता है तो अपने को लगता है सब आ गया, उसके जो प्रिंसिपल्स है वो सब, वैसा सभी इसमें नहीं है। जैसे मैं कहूँगा कि मुझे तैरना सीखना था तो मैंने क्या किया, लाइब्रेरी से एक बुक ले लिया 200 पेजेस का, अब वो पढ़ लिया, उसके कंसेप्ट भी मैंने समझ लिए, अब 20 फुट गहरे पानी में मैं यदि छलांग लगाऊंगा तो मैं दूसरा किताब पढ़ने के लिए भी ऊपर नहीं आऊँगा। क्यों? क्योंकि वो स्किल है और अपने को लगता है कि सभी चीज़ें सिर्फ पढ़ने से हो जाती है। वैसा गुस्सा नहीं आना चाहिए, बहुत लोगों को लगता है, लेकिन गुस्सा तो आ रहा है। तो इसके स्टेप्स हैं कि जब तक के हम अपनी सोच में बदलाव नहीं करेंगे तब तक के हमारी भावना नहीं बदल सकती। तो ये सब सीखने के लिए प्रैक्टिस की ज़रूरत रहती है, तो वैसे असेसमेंट स्किल्स का होना चाहिए। अब मैं उदाहरण के तौर पे मैं बताना चाहूँगा, मैं एक पिक्चर हॉल में गया था तो वहाँ जब जनगण मन राष्ट्रगान रहता है तो सभी खड़े होते हैं, मेरे सामने वाला जो बैठा था वो खड़ा नहीं हुआ। तो राष्ट्रगान खत्म होने के बाद मैंने उससे गुस्से में ही पूछा कि आप खड़े भी नहीं रहते? तो बोला, मुझे बहुत गुस्सा आया और तो बोला कि मैं फिजिकली चैलेंज्ड हूँ, दिव्यांग हूँ, मैं खड़ा नहीं रह सकता। और मेरे विचार बदल गए तो भावना भी बदल गई कि नहीं नहीं मैं कितना गलत कर रहा हूँ, ये खड़ा नहीं रह सकता। लेकिन फिर भी वो शांति से उसने राष्ट्रगान किया है। तो जब मेरा विचार बदला तो अपने आप भावना बदल गई। तो ये जो प्रोसेस है इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ती है कि जब गुस्सा आएगा तो, और ये सब स्किल है जी। ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ समझ लिया तो मुझे आ जाएगा। तो इस तरीके से उसका स्कूल में और इसमें असेसमेंट होगा। तो जैसा आपने कहा कि ये स्किल है और इसमें सिर्फ थ्योरी पढ़ने से नहीं होगा लेकिन प्रैक्टिकली से हमें करना होगा एंड प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो धीरे धीरे प्रैक्टिस करते ही ये स्किल्स हम डेवलप कर सकते हैं। तो ऐसे में इन विषयों का जो करिकुलम है वो किस प्रकार का होना चाहिए? जैसे ये मैं MS हूँ ऑप्थेल्मोलॉजी, आई में मास्टर ऑफ सर्जरी, तो स्किल हम ट्रांसफर करने के लिए फेलोशिप करते हैं, वैसा ये भी है। और इसके लिए समय देना पड़ेगा। जैसे अब छोटी छोटी बातों से शुरुआत की जाती है, जैसे मुझे जब वर्कशॉप रहता है, मेरा इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस ऑफ हैप्पीनेस है, वर्कशॉप्स लेते हैं तो वो जो कंडक्ट कर रहे थे उन्होंने पूछा कि आप किसी का यदि उसका 12वीं में लड़का अच्छे मार्क्स मिला रहा है तो उसका उसको कॉन्ग्रेचुलेट कैसे करेंगे, उसका अभिनंदन कैसे करेंगे? तो हर एक आदमी अलग अलग बोलता है। एक ने बोला कि वाह आपके बेटे ने बहुत अच्छे मार्क्स मिला है, आप भी होशियार वो भी होशियार। लेकिन उसमें फिर दो चीज़ें हो जाती है, आप यदि एंट्री में कि भाई उसके पिताजी होशियार है लेकिन माता के बारे में क्या है, और पिताजी होशियार होने से बच्चा अपने आप हो गया क्या, बच्चा ने कुछ मेहनत की है उसके बारे में हम, यानी ये बहुत संगीन है, इसके ऊपर सोचते हैं। और जब ये प्रैक्टिस करने लगते हैं तो बराबर शब्द आएंगे, बराबर अच्छी तरह से हम अपनी भावना व्यक्त करेंगे और उसमें परेशानी नहीं होगी। तो ये प्रैक्टिस करनी पड़ती है कि नहीं, बच्चों ने किया हुआ पढ़ाई है और माँ पिताजी ने दिया हुआ वातावरण एनवायरनमेंट वो देते, पढ़ाई तो बच्चे को करनी पड़ती है, हम एनवायरनमेंट ऐसा देते, वातावरण ऐसा देते ताकि वो पोषक हो उसके पढ़ाई के लिए। हम टीवी नहीं देखते, क्यों नहीं देखते कि उसकी एग्जाम है, यदि मैं टीवी देखते रहूँगा तो उसका आकर्षण होगा उसके तरफ, टीवी की तरफ। तो ये वातावरण निर्मित पेरेंट्स कर रहे हैं, पालक कर रहे हैं। तो वो जो चीज़ें हैं वो हमें समझना चाहिए और धीरे धीरे ये प्रैक्टिस से होता है।
तो जब हम लाइफ स्किल्स की बात करते हैं तो क्या लाइफ स्किल्स केवल यहाँ तक सीमित हैं कि हम खुद को समझें या फिर जीवन जीने के लिए जिन स्किल्स की आवश्यकता है? मैं खासकर ये प्रश्न इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि अगर हम आज के एजुकेशन सिस्टम को देखें, हमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, सोशल साइंस ऐसे बहुत सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं, लेकिन जो जीवन की स्किल्स हैं जैसे मानिए तैरना या फिर एक पौधे को उगाना और उसका संरक्षण करना, इस तरह के जो स्किल्स हैं, खेती बाड़ी, ये हमें नहीं आता, तो क्या इनका भी इंक्लूजन है इस लाइफ स्किल्स के? लाइफ स्किल्स में इसका इंक्लूजन रहता है, लेकिन उसके साथ में थ्योरी भी रहती है। और जैसे आपने कहा तो एक वो तो क्या खेलते समय पूछते हैं कि कल आपने खेला था, तो वो समझो क्रिकेट खेल रहे हैं, बॉलिंग नहीं दी थी आपको कैप्टन ने, तो आपको बुरा लगा, आपका उसके साथ झगड़ा हुआ, तो आपकी क्या सोच थी? उसने बॉलिंग देना चाहिए, मैं अच्छा बॉलर करता हूँ। कैप्टन को पूछेंगे आप तो वो बताता मेरी ये सोच है कि इससे अच्छा वो जो बैट्समैन है उसके लिए ये बॉलर मुझे अच्छा लगा इसलिए मैंने उसको बॉलिंग के लिए। अब ये सोच आमने सामने जब आती है तो दोनों के बारे में जो झगड़े हैं वो कम होते हैं, तो इस तरीके से वो सिखाया जाता है। तो आपने जो उदाहरण दिए उसमें भी वैसा दोनों रहेगा, थ्योरी और वो प्रैक्टिकल में जो प्रॉब्लम्स है उसके बारे में भावना क्या थी, सोच क्या थी, सोच कैसे बदली जाती है उसके लिए डिसीजन मेकिंग। अब निर्णय तो हर एक आदमी को करना ही पड़ता है, लेकिन डिसीजन मेकिंग के जो स्टेप्स हैं वो हमें सिखाए नहीं जाते। लेकिन डिसीजन तो हमको यानी मार्केट में गए तो कपड़े कौन से खरीदने से शुरुआत हो जाती है, तो ये सब चीज़ें डिसीजन मेकिंग के स्टेप्स, ये सब चीज़ें जीवन में आवश्यक हैं और वो सिखाए जाते हैं इसमें। डॉक्टर महात्मे, आपको इस वक्त कई दर्शक देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो उसमें कई युवा दर्शक भी हैं, उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे चलते चलते आपसे ये पूछना? मैं ये बोलना चाहूँगा कि ये जो लाइफ स्किल्स हैं, थिंकिंग स्किल्स हैं, इमोशनल मैनेजमेंट स्किल्स हैं, ये यदि हम नए तरीके से सीखे, नया पीढ़ी, नई युवक जो युवतियां जो सीखेंगी, तो हम एक नया भारत निर्माण कर सकेंगे। आप देखेंगे कि मोदी जी ने खुद जो एग्जाम वॉरियर्स का है जी, उनका किताब जी, उसमें भी एक सारे बहुत सारे इमोशनल मैनेजमेंट का जिक्र किया है। तो उसी प्रकार यदि हम ये चीज़ें सीखते तो जो मोदी जी का सपना है, हमारे सबका सपना है कि नया भारत निर्माण करना है, तो उसके लोग नए होना चाहिए जो कि सामाजिक रीत्या, इमोशनल यानी भावनात्मक रीत्या और सोच के बारे में जागरूक हो और वो उसके बारे में सोचे कि इसे हम विकास हमारी डेवलपमेंट कैसे करें। ये यदि हम करते हैं तो नया भारत निर्माण कर पाएंगे जी। मैं सबको शुभकामनाएं भी दूंगा नया भारत निर्माण के लिए जी। डॉक्टर महात्मे जी, आप यहाँ आए, आपने हमसे बातचीत की और इतनी खूबसूरत बातें हमारे साथ, हमारे दर्शकों के साथ आपने साझा की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, सभी दर्शकों को भी धन्यवाद। दीपालय, चाहे महिला सशक्तिकरण की बात करें, शिक्षा की बात करें, स्वास्थ्य के क्षेत्र में सुधार की बात करें, सभी क्षेत्रों में जहाँ पर ज़रूरत है वहाँ पर दीपालय एक पॉजिटिव काम कर रहा है। और पिछले 4 दशक में कैसा रहा दीपालय का सफ़र, कैसी शुरुआत हुई दीपालय की और ये जो 4 दशक का सफ़र था ये कैसा रहा? Yeah, it has been a great travel for all of us. What had happened was 7 friends in Delhi. All of them came from Kerala. They were from lower middle class families. They were employed in Delhi. And they used to meet occasionally and then discuss, you know, education. It was education which brought them to Delhi. So we should do something for the education of the poor. So it was with that idea in mind, they started this organization called Deepalaya. To be exact, it was started on July 16, 1979 with 5 students and 1 teacher. And over the last 40 years, we have educated more than 3.5 lakh children. And that is our greatest achievement. And today we have about 7,000 students on our rolls in Delhi, Haryana and Uttar Pradesh. And we also run several programs. The program that which you have seen just now, it's about the disability project that we run in a place called Sanjay Colony in Delhi. We have several such projects. This is only one aspect of Deepalaya's functioning. So when we talk about education, as you said that there are about 7,000 students who are associated with the educational projects that Deepalaya is running. Apart from that, you also organize vocational courses for students so that they can get skills. How important it is to
impart vocational education along with the normal education system that we follow? Yeah, we have been, you know, we have, you know, different centers. We are at the moment running 7 centers where vocational education is imparted. Okay. And actually not 7, it's more than that. In 7, you know, we give computer education. That is one thing. And then we also have, you know, special programs for women, like in a beautician course, you know, which is very popular, and mehendi. That also we impart, and then besides that we also, you know, train girls in tailoring and stitching, etc. So many people have got jobs because of that. And one of the components of our computer education program is imparting of English education, the ability to speak, so that, you know, when they go for an interview they can face interview with greater confidence. As a result of that, you know, many of those students, you know, who came out of our system, they are doing well in life. They are getting good jobs. Yeah. So, as you said, the Deepalaya started with 7 members who were the founder members of this organization. So, what? How big is Deepalaya now? Yeah. In terms of strength, you know, as I said, you know, we run. It's a New Delhi-based NGO, but with all India jurisdiction. So, we run programs in Delhi, Haryana, Uttar Pradesh, Uttarakhand, Maharashtra, Andhra Pradesh, and Telangana, and Punjab now, recently in Punjab also. So these are the states, you know, where we operate. We have about 320 regular employees. That is the kind of strength that we have. We have 7,000 students, as I said, in Delhi and these three states. We also run a program called a Tab Labs program. Tab Lab is, we use tablet computers for imparting education. This program is run in Maharashtra, in Mumbai, in Satara, Visakhapatnam in Andhra Pradesh, and in Telangana, and in Noida in Delhi. Okay. Yeah. Besides that, we also run one government school in Delhi in collaboration with the South Delhi Municipal Corporation. This school is in Kalkaji area, and we run this school in collaboration, as I said, with the South Delhi. So you have adopted this school? Yeah. Okay. We have adopted one primary school in Delhi, and we run it in collaboration with the South Delhi Municipal Corporation. Okay. This is the third year of our functioning. When we went there 2 years ago, we found that there were only about 45-50 children were there. They used to come to the school, and not much of education was happening, to be frank. And we also noticed one thing, a very sad thing, that some of the students were also going for begging after the school. So that was a bad scenario. And we intervened and we took over. We have an MOU with the South Delhi Municipal Corporation, and we took over. Today we have about 280 students in this particular school. And in the first year, you know, our school was selected as the best school in central region. And many of our students also got a particular scholarship which the Delhi government gives. Many of our children were able to get that scholarship. Yeah. Apart from this, you also run educational libraries. Yeah. So, is it like a community library where anybody from the community can come and join, or is it for the children who are associated with the schools of Deepalaya? No, we run, you know, 4 community libraries. These libraries are very interesting. You should one of these days, you know, come and visit. What happens is, you know, in these libraries, you know, anybody, the community members can come. So, you'll find, you know, small children coming there, and somebody would read out books to them. And there are children who have read books. So if a child, you know, reads 10 books, he will get a, she or he will get a star. How wonderful. And if, yeah, and if that child, you know, reads 100 books, then it's a special recognition. Her name would be mentioned there. And if the child, you know, reads 200 books, then, you know, she or he will be asked to read books to smaller children. So it's a very interesting program. You will find that, you know, a lot of, you know, people come to our library and they read books and they learn a lot. Yeah. These are very functional libraries, and they are all located in slum areas. That is the beauty of it. Yeah. Wonderful. Yeah. So talking about, of course, you are working a lot in the sector of education for normal children as well, and the differently abled or the Divyang children. Yeah. So are you sort of looking at integrating the differently abled children with the mainstream society as well through any of your projects? Yeah, we try to, you know, mainstream. That's one of our main focus is on mainstreaming of children. So we do that. This particular, you know, unit is actually, you know, we are, you know, giving, you know, especially, I mean, we are individual based the education is we are giving in that center, in the disability center. Every child is given, you know, a particular kind of education. Because every child, you know, 10 children cannot. For instance, a child, you know, is suffering from cerebral palsy. If a child, if that kind of a child, you know, if she
removes, you know, if she learns one, she will take a lot of time to learn that one, two, three. And so if that child is put in a normal school, it will be very difficult for her to pick up. Right. So we give, you know, special education. Our ultimate aim is so that, you know, they can be mainstreamed. And we also impart them, you know, skills like, you know, employment capabilities. Exactly. So our children also are learning also ways in which, you know, they can make little money also. Mm-hmm. For instance, most of the children that you saw there, they make certain craft items. For instance, you know, they make beautiful jewelry items with paper. Okay. So many people, you know, our visitors buy it. They make candle also. They make many such small things and cards, greeting cards, etc. They make and they get some money also. Right. So if somebody wants to get associated with Deepalaya, suppose I want to buy some products that are made by the children who are in Deepalaya schools. Yeah. So how do I take the first step forward? Yeah, you can, you know, help us in many ways. You know, one is you can if you visit our center, that would be great. And we can, you know, order anything through our website also. Okay. And then you can also do thing one thing, you know, you can sponsor a child. Mm-hmm. You know, all our children are sponsored. And who are the sponsors? These are ordinary people. Mm-hmm. For instance, this Vigilang Center, which you saw, there, if a child is given, you know, 30 rupees per day, that works out about 900 rupees. That will take care of most of the needs of the child in the school. Yeah, that kind of sponsorship is also possible. So many people, you know, all everything that in Deepalaya was contributed by somebody. It did not belong. It does not belong to me. Right. It all came from the people. There are people, you know, who give money. So, as the name itself suggests, it is a Deepalaya. Yeah. So, each and every candle or each and every Deepa that is lit is actually, you know, illuminating the entire world, the entire society. And you're doing a commendable job. Yeah. You're also working a lot in the healthcare sector, where you are providing healthcare to the marginalized section of the society. Yeah. If you could tell our viewers about that. Yeah, we have a very popular program, iCare program. We have been running in collaboration with the Rajendra Prasad Institute of Ophthalmological Studies of the All India Institute of Medical Sciences. We have a tie-up with them. We have set up four vision centers. And doctors from All India Institute of Medical Sciences come to our center. And every day, you know, 150 to 200 people come to our center, each center. And doctors from AIIMS come, and then they see the patients. And if patients need, you know, some medicines, medicines will be given. And if spectacle is needed, that would be given. And if they need operation, we have dedicated beds in All India Institute of Medical Science. Oh, wonderful. Yeah, our patients, you know, once we refer, once they're referred, they can go there, they will be admitted there, they will get free food, and we provide conveyance also. How wonderful. To go to AIIMS, and then they come back. All that we charge from them is for a spectacle, 50 rupees. That is the only amount, and if somebody can't pay that 50 rupees also, it doesn't matter. Yeah. Wonderful. That is what we do. So, where are these camps organized? Do you have some designated localities where these? Yeah. For instance, you know, for instance, in our place in Janakpuri, our head office. Right. There it happens on Friday. Okay. And then it happens on Wednesday in Gusbati, and then in Harinagar. Like that, you know, we have four Sundays, and we have, every month we organize one mega camp. That would be in a village in Mewat district. So a lot of people that day, around 500-600 people would come to that center. Yeah, that is how we so run it. So I was told that you're also taking another step forward in the direction of healthcare, yeah. Where you are looking at providing neonatal care as well as postnatal care to mothers. Yeah. So what is this all about, and what the project is? Actually, you know, we started, you know, a project in Punjab. It's in Mohali. The Punjab government has given us four schools to run. Okay. And we are introducing certain programs there in these four schools. Mm. And there, when we went there, you know, we found that, you know, there was a requirement that, you know, they should these infants should be given. So we thought that, you know, we should run a very good infant and mother care center as a model center for the rest of the country. So we want to set it up somewhere in Mohali. Okay. And if everything goes well, then we may start it in a couple of months. Right. Yeah. So that center will be an ideal model center for the rest of the country, how children and pregnant women and mothers should be treated. They will be given food supplements, the children will be taken, the infants will be taken care of, and everything that a good center can provide will be provided there.
Okay. So, the parents, I mean the mother and the children, they will be associated with the center and all their cares will, all their needs will be taken care of. Yeah. That is what the center will be. For instance, in the, if the child needs medical care, it will be given. Mm-hmm. If the child needs, you know, good food, food will be given. That kind of system. It will be, that is what we are planning to have. Right. Talking about women empowerment, it is very important because still women in India, a large part of it, are still considered as the marginalized section of the society. Yeah. So what kind of projects are you running to empower women? Because you're also working a lot in that direction. Yeah. For instance, you know, we started a program about 20 years ago. We encouraged women to start saving money. So we told them that if you save 1 rupee a day, we will also give a matching grant of 1 rupee, which means a woman is able, if she is able to save 30 rupees, we will also give 30 rupees. Hmm. So the money will be 60 rupees. That will be her saving. And when we started it, we found that many of the women were even unable to save even 10 rupees. That was the situation. So we organized these women. We started what we call self-help groups. Today we have about 1,200 self-help groups in which, you know, there are about 16,000 women in Delhi, Haryana, and Uttarakhand. Hmm. And all these women would have at least, you know, 1 lakh rupees in their account today. 1 lakh? Not less than 1 lakh. Some may have, you know, much more than that. Those who were not even saving 10 rupees at the beginning. Rupees today, now, today have, you know, at least, you know, 1 lakh rupees in their account. Commendable. Not only that, all these 16,000 women are able to go to a bank, they can do transaction, they can check the accounts, they know whether the money has been properly accounted for, whether, you know, the proper interest was given. All these 16,000 women know. Hmm. Not only that, when I meet these women, I would ask them, how did you benefit from this program? They say that, you know, one great benefit that they have is that now their husbands respect us much more, because they know that, you know, we have some money. And buying something, and I don't have to depend on my husband for that. So that empowerment has, you know, liberated them. Hmm. And because of that, all these 16,000 women have sent or are sending their children, including their girl children, to the school. Hmm. That is a great change that we have seen in this, among these women. Hmm. Another very important step, which personally I think that is a huge step, is creating an awareness about menstrual hygiene in the women. You also run a unit called Sangini, which makes sanitary pads and distributes them, or you just distribute Sangini is the brand name. We manufacture sanitary napkin, but more than that, you know, it's not for sale, you know, that was not our intention. Okay. Our intention was to popularize it. Mm-hmm. For instance, you know, these many women, we found that, you know, many of the girls did not know what it is. Hmm. They did not know how to go about it. They did not know hygiene. You know, for instance, they did not know. And so we often, you know, give training. We found that, you know, even, you know, girls who menstruate, they did not know how to go about it. Hmm. They were, you know, many of them were not even adequately prepared for that. Hmm. So we have, you know, trained them, we train them, we educate them. So many of them have become, you know, conscious about, you know, menstrual hygiene. Hmm. Yeah. So do the women who are associated with Deepalaya also contribute to the making of these sanitary napkins and distributing it in their own communities? Yeah, that they do. Yeah, okay. They do. Yeah. But as I said, you know, our primary aim is not selling it. Huh. Because there are so many brands available in the market. Right. Our idea was that, you know, to ensure that they are they maintain menstrual hygiene. That is more important. Very good. We teach them about it. Mm-hmm. We have, you know, we have trained people who can go to the community. We tell them, we educate them, things like that. Mm. For instance, you know, we found that, you know, women, some of the women, you know, they do not, you know, they use all kinds of things. Mm. Like they use mud also. Oh. Yeah, all kinds of things, paper, mud, then old clothes, mm-hmm. unhygienic clothes, etc. Many things are used for this purpose. So we trained them. That is one thing which we did. Mm. Another thing which we did recently was we trained about 20,000 girls in Noida, in Greater Noida area, in self-defense. Mm. Now all these 20,000 girls are able to, you know, defend themselves. Mm. They know how to defend themselves. If somebody attacks them, they can, you know, all of them can defend themselves. That kind of training was given.
and not a small number, 20,000. 20,000. Yeah, it's girls in Noida. And this program was supported by Asian Paints. Yeah. Oh, wonderful. Yeah. Some success stories that you would want to share with our viewers, because recently the book that was released on the commencement of 40 years of Deepalya's journey, that also had a lot of success stories in it. So some success story that you would want to share with our viewers. Yeah, there are so many stories. For instance, you know, as I said, 3.5 lakh children have studied in our schools. Many of them would not have seen the inside of a school if Deepalya was not there. Recently, we had a meeting of our old students, and I asked them, you know, what are your achievements? So one person said he was born in a slum in Delhi. Today, he has a house in South Delhi. And one person said, you know, he is employed and he is getting more than a lakh of rupees. And one is a lawyer practicing in the High Court. And we have, you know, 29 students, Deepalya's children, who went to the US, went to a community college, had their training, came back. And many of the, some of the Deepalya ex-students are now teaching in our school. And our, many of the, you know, head of the departments in Deepalya are, you know, students who studied in Deepalya. So that is one significant change. Right. Yeah. Sir, thank you very much for being here with us on our show and being a part of it. Thank you very much. Thank you very much. Thank you very much. जीवन जहाँ ज्ञान है, जहाँ विज्ञान है, वहाँ हम सब का जीवन एक कविता भी है, जिसे हम सब अपने अपने शब्दों में लिख रहे हैं. और गुड इवनिंग इंडिया में हमेशा हमारा यह प्रयास रहता है कि आपके जीवन की इस कविता को और हमारे जीवन की इस कविता को हम और भी बेहतर, हम और भी सुंदर बना सकें. तो गुड इवनिंग इंडिया का आज का सफर भी इसी बात का एक उदाहरण था, जहाँ पर हमने आपको मिलवाया दो ऐसे विशिष्ट मेहमानों से जिन्होंने इस पूरे समाज में सकारात्मकता को फैलाया. जी हाँ, पॉजिटिविटी इज द की ऑफ सक्सेस इन लाइफ. तो कैसा लगा गुड इवनिंग इंडिया का आज का ये कार्यक्रम, हमें जरूर बताइएगा. हमारा ईमेल आईडी है goodeveningindia.dd@gmail.com. हम जल्द ही लौटेंगे गुड इवनिंग इंडिया के एक और खास अंक के साथ. तब तक मुझे यानी सत्यप्रिया और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत. नमस्कार.